नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रमाण आवाज। कुशीनगर थाना कसिया ग्राम सिसवा मठिया प्राथमिक विद्यालय में दीपक पुत्र तिलक गुप्ता बारिश से बचने के लिए छुपा था कि अचानक जर्जर विद्यालय गिरने से दीपक की दबकर घटना स्थल पे ही मौत हो गई। घटना की जानकारी समाज सेवी आसमा ने जिले के अधिकारियों को दी। घटना स्थल पे SDM परडौना क्षेत्र अधिकारी कसिया थाना अध्यक्ष कसिया राजस्व विभाग व तमाम ग्रामीण मौके पर पहुंचे। JCB लगाकर मलबे से दबा मृत लड़का दीपक को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय कुशीनगर भेजा गया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी कसिया नितेश प्रताप सिंह का कहना था कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। कसिया विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने मृतक के परिवार को आश्वासन दिया कि जो भी खर्च होगा मैं उठा लूंगा, क्योंकि मृतक दीपक का पिता गोरखपुर किसी अस्पताल में भर्ती है। ग्राम सोसा मठिया थाना सिसवा मठिया थाना कसिया में दीपक नाम का एक लड़का है जो एक जर्जर बिल्डिंग थी शिक्षा की स्कूल की, उसमें छत गिरने से दबकर मृत्यु हो गई है और उसी में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसको अथक प्रयास के बाद निकाला गया है और पोस्टमार्टम के लिए जर्जर भवन के लिए ग्रामीणों का कई बार सूचना दिया गया था। अब ये जांच का विषय है, संबंधित विभाग को भी अवगत कराया दिया जाएगा और SDM महोदय मौजूद थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अगर इसमें लापरवाही होगी तो उसे जांच कराई जाएगी और संबंधित विभाग द्वारा जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध आवश्यक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैसे क्या हुआ था बताओ क्या? हमारे मालिक का तबियत खराब है, भर्ती बनी हॉस्पिटल में, हमार बच्चा गिर गई नहीं है वो दादा। क्या कर रहा है लड़का? लाइटिंग करने आया था। कुशीनगर ब्यूरो चीफ उमर फारूक अंसारी की रिपोर्ट।